असम में भारी बारिश के चलते जहां बाढ़ का खतरा सता रहा है, वहीं दूसरी ओर एनआरसी के चलते लोगों की मुसीबतें थम नहीं रही हैं। ऐसे में असम की जनता बेहाल है कि वह बाढ़ का सामना करे या फिर बीजेपी सरकार के खतरे का उपाय निकाले। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के तहत लाखों लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें असम का नागरिक नहीं माना गया। सालों से असम में रह रहे लोगों को बीजेपी सरकार ने काफी बड़ा झटका दिया है। एनआरसी से जूझ रहे लोगों की मुसीबतें बारिश ने बढ़ा दी है, तो वहीं एनआरसी की डेडलाइन ने भी लोगों को सता रही है। असम भयंकर बाढ़ की चपेट में है। हालांकि यहां के लोग बाढ़ के साथ साथ एनआरसी की डेडलाइन दोनों के खौफ में जी रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के बचाव कर्मी प्रवेश कुमार बीते दो दिनों से मोरी गाँव जिले के तुलसी बाड़ी गाँव के रहने वाली रीमा बेगम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह बाढ़ में आधा डूब चुके घर को छोड़कर सुरक्षित घर पर चलें, लेकिन वह राजी नहीं है। बचाव कर्मी रीना के पड़ोसियों को उनके डूबते घर से निकालकर सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं, लेकिन चार बच्चों की दादी 50 साल की रीना बेगम अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। कमर तक पानी में डूबी रीना कहती है, हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं। प्रवेश कुमार ने बताया कि खतरे में होने के बावजूद घर न छोड़ने को तैयार लोगों में सिर्फ रीना बेगम ही शामिल नहीं है। प्रवेश ने बताया, बहुत सारे परिवार हैं जो अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। कल हम एक बेहद सुनसान इलाके में गए थे, 20 लोग एक घर में फंसे थे, लेकिन उनमें से 7 लोग ही हमारे साथ वापस आए। इसके बावजूद बचाव कर्मी ने उन लोगों को अपना मोबाइल नंबर देकर कहा कि अगर उनका विचार बदले तो वे संपर्क कर सकते हैं। देर रात जब पानी का स्तर और बढ़ गया तो कुमार को एक फोन कॉल आया। कुमार ने बताया, जब हालात बेहद खराब होने लगते हैं तो लोग अमूमन फैसला बदलकर लौटना चाहते हैं। असम के मुस्लिम बहुल इलाके में घर और जमीन ही किसी की पहचान का बड़ा सबूत है। यहाँ यह जानना बेहद जरूरी है कि एनआरसी के प्रकाशन की डेडलाइन 31 जुलाई ही है। एक स्थानीय अधिकारी ने आशंका जताई है कि शायद इसी बात का खौफ है, जिसकी वजह से जान का खतरा मंडराने के बावजूद ये लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है। जहां असम में स्थित बीजेपी सरकार ने लोगों पर एनआरसी का कहर बरपा रखा है, तो वहीं लोगों ने अपनी घर को न छोड़ने का मन बना रखा है। देखना यह है कि क्या असम में बीजेपी सरकार लोगों की इन मुसीबतों का क्या हल निकालती है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।